गुजरात का चुनावी मूड समझते हुए एबीपी न्यूज की दांडी यात्रा अब मंजिल से सिर्फ दो पड़ाव दूर है। नौवे पड़ाव में एबीपी न्यूज संवाददाता दांडी यात्रा करते हुए पहुंच रहे हैं वडोदरा। वडोदरा की यात्रा अहमदाबाद से आगे बढ़ी है। अहमदाबाद को वडोदरा से जोड़ता है ये महात्मा गांधी एक्सप्रेस वे। करीब 110 किलोमीटर की यात्रा एक घंटे में पूरी हो जाती है, हालांकि हाईवे वाले रास्ते से दो घंटे आराम से लग जाते हैं। महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे का यही रास्ता मुंबई की ओर ले जाता है, लेकिन उमेश को पहुंचना है वडोदरा, इसलिए एक्सप्रेसवे को छोड़कर वडोदरा शहर की ओर दाहिने मुड़ गई का। वडोदरा में बापू का चश्मा चौराहे पर लगा मिलता है। चश्मे पर मुहर लगी है मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की। ऐसा लगता है कि वडोदरा में साफ सफाई को लेकर लोग सजग हुए। बहरहाल वडोदरा में दांडी यात्रा की शुरुआत करने उमेश पहुंचे शहर की ऐतिहासिक पहचान इस लक्ष्मी विलास पैलेस में। देश की ऐतिहासिक इमारतों में से एक इस महल की बाहरी दीवारों को समय की धूप ने काला करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमावत और एबीपी न्यूज की दांडी यात्रा में आपका स्वागत है। दांडी यात्रा का ये नवा पड़ाव है और अब दांडी यात्रा पहुंच चुकी है वडोदरा। वडोदरा को बड़ौदा भी कहा जाता है। एक वक्त में वडोदरा स्टेट पर गायकवाड़ परिवार की हुकूमत चलती थी और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये है लक्ष्मी विलास पैलेस। ये गायकवाड़ परिवार का ही शाही निवास है और खास बात है कि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बकिंगहम पैलेस से 4 गुना बड़ा है। यहाँ पे इंडोर क्रिकेट ग्राउंड है, गोल्फ कोर्स है और टेनिस कोर्ट भी है और अभी भी ये पर्यटकों के लिए खुला है और राज परिवार आज भी यहीं पर रहता है। ये जो पैलेस है वो वर्ल्ड में एक ऐसा पैलेस है जो 4 धर्म में कवर किया है। तो पहला धूम है मुगल शैली, दूसरा है क्रिश्चियन है, तीसरा है गुरुद्वारा, चौथा है जनाना जो मराठा शैली हिंदू शैली कंबाइन किया है। ये थर्ड सयाजीराव महाराजा, उनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मीबाई, तो उनके ऊपर से पैलेस का नाम लक्ष्मी विलास पैलेस रखा गया है। 1878 में बना, 1890 में उसका काम खत्म हुआ, इसका 12 साल पैलेस का काम चला और ये जो पैलेस बना है वो पूरा आगरा का सैंडस्टोन से बना है। चुनावी मिजाज समझने के लिए उमेश जिस शहर में थे उस पर कईयों ने राज किया। आज का वडोदरा कभी बड़ौदा हुआ करता था, इस पर गायकवाड़ों ने राज किया। दिल्ली के सुल्तानों का शासन था, फिर मुगल आए और सबसे आखिर में मराठा ने विजय का झंडा गाड़कर अपना शासन चलाया। आजादी से पहले एक रियासत था जो आजादी के बाद भारत का हिस्सा बना। इतने शासकों के मातहत रहने के बाद भी
वडोदरा की आज जो तस्वीर दिखती है वो सर सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की देन। विकास की उनकी सोच ने वडोदरा को गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा और अच्छा शहर बनाने की नींव रखी। जिस शासक ने करीब 100 साल पहले शहर के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सोचा, उसकी सोच वडोदरा को कितना उन्नत और समृद्ध बनाने की रही। पूरा बड़ौदा सिटी का डेवलपमेंट सयाजीराव महाराजा ने किया था, जो म्यूजिक कॉलेज है और पूरे बड़ौदा के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो बहुत बड़ी ड्रेनेज सिस्टम है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम फर्स्ट चालू किया था उन्होंने। बड़ौदा अब वडोदरा हो गया, लेकिन शहर में सर सयाजी राव गायकवाड़ का नाम आज भी लिया जाता है। शहर जितना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है, उतना समय के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार है। यही कारण है कि धीरे धीरे वडोदरा आईटी हब बनता जा रहा है। उमेश के मन में ये सवाल था कि वडोदरा क्या सचमुच इतना विकसित हो चुका है कि अब यहाँ के चुनाव में विकास मुद्दा बनेगा नहीं। इसी सवाल के जवाब की तलाश में भटकते हुए उमेश पहुँचते हैं निजामपुर। बोर्ड दिखा तानजेन डांस स्कूल का। अंदर पहुँचे तो डांस चलाने वाले जिगर घाटगे लाउड म्यूजिक पर डांस प्रैक्टिस करते हैं। जिगर राजनीति वोट बैंक में ज्यादा दखल नहीं रखते, लेकिन वडोदरा निवासी होने के नाते कुछ तो है जो समझ में आता है। जिगर घाटके से बात करके पता चला कि करीब 100 साल पहले सर सयाजी राव गायकवाड़ जो ड्रेनेज सिस्टम बना गए, वो फैलते शहर की जरूरतें पूरी करने में काफी नहीं रही। जिगर ये तो नहीं कहते कि विकास के काम नहीं हुए, लेकिन जितना हुआ उतना काफी। मतलब मेरे एरिया में भी बहुत पहले से ड्रेनेज का इश्यूज रहता था, बहुत टाइम तक रहा है इनफैक्ट। पर पिछले कुछ 4 साल से कम है और पिछले 2 साल से तो बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम हो गया है इशू। मतलब रोड्स वोड्स में मैं बोल सकता हूँ कि ज़्यादा वाइडन कर दिए, क्लीन ज़्यादा रहता है, तो उससे एक बोल सकते थोड़ा डेवलपमेंट तो है। कुछ सालों में कुछ डेवलपमेंट लगता है। जिगर घाट के उन लोगों में से हैं जो GST लागू होते ही उसकी चपेट में आ गए। डांस इवेंट से कमाई करने वाले जिगर के लिए GST झटके से कम नहीं था। खुद पर बीती है, इसलिए GST पर सवाल उठाते हैं। नोटबंदी के टाइम पे कुछ असर हुए थे, क्योंकि हम लोग के इवेंट्स काफी सारे होते हैं। कुछ इवेंट्स डिले भी हुए, कुछ कैंसिल भी हुए हैं। नुकसान हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं, एक नुकसान बोल सकते हैं। हाँ, नुकसान हुआ था थोड़ा। इसी इलाके में है नौजवान राम निवास राठौड़ का कैफे। रामनिवास पहले ड्राइवर थे, फिर ट्रांसपोर्टर बने, अब कैफे के मालिक। कैफे बनाने का आइडिया जब आया, तब उन्होंने वडोदरा के विकास को ही थीम बनाया। रामनिवास अपनी तरक्की और अपने कैफे को वडोदरा की तरक्की की तस्वीर बताते हैं, और जब अच्छा हो रहा हो तो सरकार के फैसले भी अच्छे लग रहे हैं। विकास डेवलप जिस तरीके से बड़ौदा हुआ ना, उसी तरीके से मैंने ये कैफे बनाया, ठीक है। तो ये ऐसा कैफे पब्लिक को देखने मिलता है, कहीं बहुत कम मिला होगा, बट ये डेवलपमेंट के हिसाब से ही मैंने ये कैफे बनाया है। और उस हिसाब से जैसे कि बड़ौदा डेवलप हुआ, वैसे मेरा कैफे भी धीरे 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 डेवलप हो रहा है। वडोदरा में विधानसभा की 10 सीटें हैं।
10 में से 9 बीजेपी के पास है और एक निर्दलीय के पास। ये निर्दलीय भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गया। इससे एक बात तो साफ समझ में आती है कि वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना अहम है और ये बीजेपी का गढ़ रहा है। वडोदरा में कुल 10 सीटें हैं, 5 सीटें शहर की और 5 सीटें ग्रामीण इलाकों की। वडोदरा शहर का जायजा लेने के लिए दांडी यात्रा मुड़ती है गांव की तरफ। यहां पड़ताल इस बात की कि विकास हुआ या विकास पागल हुआ है। बाघोया सीट में आता है बाजवा गांव। शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर इस गांव के बाजार में पंकज भाई सीट कवर और बैग रिपेयरिंग की दुकान 30 सालों से चला रहे हैं। कुछ महीने पहले तक 15 से 20 हजार रुपए कमा रहे थे। 7 लोगों का परिवार ठीक से चल रहा था, लेकिन अब खुद को नोटबंदी और जीएसटी के जाल में फंसा पाते हैं। सरकार के इन फैसलों को गला काटने वाला बताते हैं विकास हुआ या नहीं, ये पूछो तो कहते हैं विकास गांडो थयो छे, मतलब विकास पागल हो गया है। अरे विकास गांडा हुआ है, विकास हुआ है लेकिन गांडा हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है। पागल, अब हम भी पागल होने जैसे हो गए समझो, ये धंधा करे के ना करे, कोई विकास नहीं है। तो रास्ते अच्छे अच्छे, रास्ते से क्या मतलब है सर, रास्ते तो इन लोगों ने अपनी जेब भरने के लिए किए है। अभी रास्ते से यहाँ 250 दुकान जा रही है, कई लोग तो मरने पे जा रहे हैं। दांडी यात्रा के अगले पड़ाव में मंजिल थी अजोड़ गांव। यहाँ मिले अल्पेश पटेल, कहने को तो 20 बीघा जमीन के मालिक हैं, लेकिन जमीन जंजाल बनी हुई है। दूर और मकई की फसल का नाश हो गया, सिर पर 3 लाख रुपए का कर्ज आ गया। अल्पेश पटेल सरकार से बेहद नाराज हैं, फिर भी इनकी नाराजगी का फायदा राहुल गांधी ले उड़ेंगे, ऐसा अनुमान भी गलत होगा। मोदी जी के बारे में क्या लगता है, भले आप मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री? अभी गुजरात में इतना ध्यान नहीं देते। कोई फर्क पड़ा उसके? हाँ, वो वड़ा प्रधान बने, चलो हमारा गुजरात से गए तो अच्छा है, लेकिन उनका ध्यान इधर नहीं रहता। अभी इलेक्शन के बाद चक्कर चालू कर दिए, बाकी तो इतने चक्कर नहीं थे। तो ऐसा काम ही ऐसा करने का था तो इलेक्शन के टाइम पे उनको आना ही नहीं पड़े। और राहुल गांधी, वो तो आ रहे हैं, वो भी इलेक्शन के टाइम पे आए ना, बाकी वो भी कहाँ आते थे इलेक्शन के, वो उनको सत्ता ही चाहिए। और गपशप हुई तो पता चला कि अल्पेश पाटीदार हैं और पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को बड़े भैया का दर्जा दिया हुआ है। जब हार्दिक पटेल की चर्चा हुई तो सीडी कांड का भी जिक्र आया। लड़की के साथ हार्दिक के कथित तौर पर दिखने से अपने नेता के बारे में अल्पेश की सोच में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। सोच साफ है कि हार्दिक को फंसाने के लिए सीडी कांड की उत्पत्ति हुई। आंदोलन हार्दिक भैया ने बराबर चलाया था, लेकिन अभी भटक गया आंदोलन उनका। क्यों भटक गया? अभी राजकारण में वो पहले बोलते थे नहीं आएंगे, तो अभी तो राजकारण में भी घुसने लगे लोग, कोई मतलब नहीं ना, स्टैंड क्लियर नहीं किया। जो हार्दिक की सीढ़ी आई थी, अभी उनके लोगों को टिकट भी मिले, उसके बारे में आपको क्या? देखो सीढ़ी तो ये उस पर प्रेशर डाला है, ऐसा अपने उसका खराब नहीं बोलते, प्रेशर डाला है। उसने सीढ़ी आई तो क्या हो गया, उस जो जिसके पर जो कुछ हुआ वो कंप्लेन करेगी लड़की, दूसरे को सबने कोई दूध ना धोला नहीं। ये कहानी सिर्फ गुजरात की नहीं है, जिसका सरकार के साथ जैसा अनुभव होता है उसकी सोच वैसी ही बनती है। अल्पेश पंकज ऐसे ही लोगों में से हैं। वडोदरा बीजेपी का पुराना गढ़ रहा है, लेकिन हवा कुछ बदली बदली दिखती है। क्यों का जवाब लेने के लिए उमेश मिलते हैं देवेश भट्ट से, जो गुजरात मित्र अखबार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवेश कहते हैं कि हवा इसलिए बदली क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी और सरकार के खिलाफ माहौल बना है। पार्टी के भीतर खींचतान है, और तो और बाहर से लाए गए उम्मीदवार भी मुद्दा बन रहे हैं। मोदी
मैं बड़ौदा सिटी डिस्ट्रिक्ट में 5 सीट पे देख रहा हूँ कांटे की टक्कर हो रही है। क्यों? कि एंटी कंपनसी है। कई जगह पर ऐसा हुआ है कि पार्टी में संगठन का विरोध चल रहा है, कई जगह पर कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उससे नाराज है, कहीं कोई बाहर के उम्मीदवार है। वड़ोदरा से आज बस इतना ही, दांडी यात्रा जारी रहेगी और आगे हम आपको दिखाएंगे डायमंड का हब कहे जाने वाले सूरत की ग्राउंड रिपोर्ट। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज वड़ोदरा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।